स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी लेके आया हूँ मस्त मजेदार धमाकेदार वीडियो जिसका नाम बाबू टॉपिक क्या है सर्कल यानी वर्त और पार्ट बोले तो फर्स्ट और मिशन बोले तो अपना टॉप शो। बाबू अपना टॉप शो सर लगातार आ रहा है, रेगुलर आ रहा है और मजा भी आ रहा है। अगर मजा नहीं आया तो सवालों को करे फिर और भी मजा आएगा। करते बेटा पांच सवाल दे रखे आपकी स्क्रीन पे और पांचों सवाल में एक किसी में डाउट हो जाए तो समझ गए ना। हाँ देखो कहते रखे हैं वर्त की उत्केंद्रता उत्केंद्रता का मान क्या होगा। देखो बेटा अपना जो कॉन्वर्सेशन है उसकी सभी की उत्केंद्रता बता देता हूँ। सर वर्त की उत्केंद्रता होती है एक, मैं बात करूं परवलय की होती है एक, ओ हो वर्त की होती है जीरो और परवलय की किसकी है परवलय की, ये सर परवलय की है, ये बाबू वर्त की है और ये किसकी है सर हाइपरबोला यानी अति परवलय की है, किसकी है अति परवलय की है। इसे यानी नेगेटिव है माइनस से कम, ये किसकी बेटा इलिप्स की है, किसकी है इलिप्स की अति पर दीर्घवृत्त की। तो इसकी जो उत्केंद्रता होती है वो सर कितनी होती है जीरो होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो, उस वर्त का समीकरण, उस वर्त के समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र जीरो जीरो और उसकी त्रिज्या दे रखी है। बाबू अपने पास एक वर्त होता है जैसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस का k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ पे जो केंद्र है, यहाँ पे जो केंद्र है बेटा वो कितने हैं सर h कोमा k है और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा सर a है। तो अपना जो केंद्र है वो कितना है सर मूल बिंदु है जीरो जीरो है। तो अगर जीरो जीरो हो तो उसका जो वर्त का जो समीकरण होता है क्या होता है x स्क्वायर और y स्क्वायर ऐसा ऐसा छापना है और यहाँ पे जो त्रिज्या देखिए उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। उस वर्त का समीकरण क्या होगा सर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और यदि ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है सर अंडर रूट का पांच का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर पहला। बात है क्वेश्चन नंबर तीन की, उस वर्त का समीकरण क्या होगा, उस वर्त का समीकरण क्या होगा जो दे रखा भी है आपको उसकी त्रिज्या भी दे रखी है। बेटा अभी अभी मैंने बताया, अच्छा वर्त की त्रिज्या पूछा उसने, देखो अभी भी बताया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब ये एक्स स्क्वायर केवल और वाई स्क्वायर होता है उसका क्या होता है मूल बिंदु है जीरो जीरो। अगर जो त्रिज्या पूछे तो इसका क्या लेना आपको वर्गमूल है नहीं सर, इस सात का जो वर्गमूल है वो बाबू कितना जाएगा सर अंडर रूट का सात, यही आपका राइट आंसर। बात करते हैं सवाल की, अच्छा जी सर यहाँ पे जो उसकी क्या पूछी है त्रिज्या पूछी है, चलो इसकी त्रिज्या पूछी है और नीचे वाले देखो क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस का फोर वाई का केंद्र। बेटा जब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई और टू एफ वाई टू जी एक्स माइनस का टू जी एक्स प्लस का मान है तो कोई दिक्कत जी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, लेकिन वर्त नहीं होता तो गुरु जी इसको क्यों परेशान कर रहे हो और आप भी क्यों रहे हो। बेटा इसका जो केंद्र होता है सर एक्स का कोफिशिएंट जो पहले एक्स का होता है एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस का जी हो गया, इसका कितना हो गया माइनस का एफ हो गया, ये अपना क्या हो गया केंद्र हो गया। बात करते हैं इसकी त्रिज्या की, बाबू त्रिज्या की होती है सर केंद्र का स्क्वायर करो पहले, अच्छा जी सर कर देंगे बिल्कुल माइनस लगाओ और क्या लिखो सी लिखो, ये आगे इसकी त्रिज्या। बात करते हैं इसकी केंद्र, इसका शॉर्टकट तरीका बेटा क्या है सर, शॉर्टकट तरीका ये है एक्स का कोफिशिएंट का आधा करो कितना गया दो, अगर प्लस है तो किसका सही लगा दो माइनस का, इसका कोफिशिएंट कितना है चार इसका आधा कर दो कितना कर दो माइनस का है तो किसका कर दो प्लस का, सर ये क्या हो गया इसका सेंटर आ गया केंद्र आ गया। बात करते हैं बेटा इसकी त्रिज्या, सर त्रिज्या निकालने से पहले इसका केंद्र जरूरी है, हाँ सर केंद्र भी जरूरी है और सी का मान भी जरूरी है। सर केंद्र कितना गया सर इसका आधा किया तो दो माइनस का तो प्लस का, ठीक है इसका केंद्र कितना है सर आठ है आधा किया तो चार प्लस का है माइनस का प्लस का तो क्या रहेगा माइनस का, सी का मान कितना बेटा माइनस का पैंतालीस, इस वाले फॉर्मूले में दो और त्रिज्या आपके पास बाहर आ जाएगी कितनी आ जाएगी सर दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर सोलह माइनस का सारे सारे सर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, ये लो जी सर प्लस कर देंगे अच्छा जी सर कितना गया बेटा ये हो गया सर बीस और बीस में पैंतालीस जोड़े तो कितना गया पैंसठ, अंडर रूट का पैंसठ की क्या गई रेडियस आ गई त्रिज्या भी। बात करते हैं सवाल की वो तो हो चुका है, आई होप क्वेश्चन नंबर पांच आपको समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओ क्वेश्चन नंबर छह की, उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे के नियामक इतने इतने दे रखे हैं। बाबू अगर कोई आपको व्यास के सिरे दे रहा हो
और आपसे पूछे उस वर्त का समीकरण, तो देखो अगर व्यास की सीधे दे तो यहाँ पे लिखना x माइनस वन एक्स माइनस का x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस का y माइनस का y2 और बराबर बेटा कितना जीरो। सर अपना x1 कितना है, x1 y1 x2 y2 रख दो इस वाले फॉर्मूले में और सॉल्व कर लो। x माइनस x1 कितना गया सर तीन और x माइनस x2 कितना गया प्लस का तीन, ये लो सर प्लस y y माइनस y1 का मान कितना है चार, ये लो सर y माइनस का y2 कितना है प्लस का चार बराबर कितना गया जीरो। इसको सॉल्व करो कितना गया x स्क्वायर माइनस का नौ प्लस y स्क्वायर कितना गया सोलह बराबर कितना गया जीरो। तो सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनको जोड़ो कितना गया पच्चीस, उधर जाएगा इसका प्लस का पच्चीस, ये आपका समीकरण आ गया। बताओ कितना सरल है, अगर सरल तब होगा जब आपको ये वाली प्रोग्राम क्या होगा याद होगा, ठीक है। वर्त रखा है वर्त के अंदर ये नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको छोड़ रहा है क्योंकि अभी अभी बताया मैंने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की, उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके केंद्र दे रखे हैं, बेटा केंद्र मूल बिंदु दे रखे हैं। तो सर अभी अभी बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो त्रिज्या दे रखी है उसका क्या कर दो आपको स्क्वायर करना है, इसको सॉल्व करना आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके केंद्र दे रखे हैं, बेटा अभी भी बताया था अगर आपको केंद्र दे दे और वर्त का समीकरण पूछ ले, केंद्र दे दे और वर्त का समीकरण पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, और जब आपके पास मूल बिंदु दियो, क्या दियो मूल बिंदु दियो तब आपके पास ये समीकरण है। अच्छा जी सर देखो एक्स माइनस का एक्स वन तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया का स्क्वायर प्लस y और माइनस का दो का होल स्क्वायर बराबर कितना सर सात सत्तु सत्तु गुणों पचास, ये आपका राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और वो भी मस्त धमाकेदार सेशन है, इस वाले क्वेश्चन करते हैं ऊपर साइड नीचे तो नहीं दिख रहा होगा आपको। चलो जिसके केंद्र ये है वो त्रिज्या ये है तो बेटा यहाँ पर रखेंगे इसको सर x माइनस का प्लस का ए स्क्वायर ये लो सर y माइनस यानी माइनस स्क्वायर प्लस का जगह b का स्क्वायर और बेटा इसका स्क्वायर इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो अगर आप चाहो तो, और बाकी मैं तो सोल्व करूंगा नहीं क्योंकि आप इतने समझदार हो बुरे तो हो नहीं जो आपको आएगा नहीं। देखो बेटा इसको सोल्व करना अपना आंसर आ जाएगा। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मजा भी आया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की कल। बाकी जय हिंद वंदे मातरम।